नमस्कार। आज मैं बात करूंगा इसके ऊपर नहीं, शरीर के नहीं, इसके ऊपर बात करूंगा कि यहाँ से हमें क्या चीज़ें करेक्ट करने की ज़रूरत होती है और ऑटोमेटिकली हमारा शरीर सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, यहाँ से हम कौन सा जंग लगा हुआ है जिसको हमें उतेड़ने की ज़रूरत है, आइए उसके लिए मैं आपको ये ऐड सुनाता हूँ। ये ऐड सुनिए आप पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं। सुखा हुआ स्टिक, न जाने किन किन नामों से मुझे पुकारा करते थे। अंडरवेट होना मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन गया था, और अगर प्लिक्स मास गेनर मेरी लाइफ में ना होता तो शायद मेरी लाइफ का स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होता। न जाने कितने डाइटिशियन फिटनेस एक्सपर्ट से मैंने बात की, सभी ने मुझे इंडियाज फर्स्ट प्लांट बेस्ड मास गेनर प्लिक्स मास गेनर ही सजेस्ट किया। ये एक हाई कैलोरी प्रोटीन है, इसमें पी प्रोटीन आइसोलेट और ब्राउन राइस 3:1 के रेशियो में अवेलेबल है, जो आपके वेट को गेन करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को बदलना शुरू कर दिया, रेगुलर वर्कआउट करना शुरू कर दिया और एक सही अमाउंट में क्लिक्स मास गेनर लेना शुरू कर दिया। ये मेरे मसल ग्रोथ को बढ़ाता है और मेरा वेट गेन करने में मेरी पूरी हेल्प करता है। इसके एक सर्विंग में 371 कैलोरीज हैं, जिसके अंदर अब ये महाराज जी कह रहे हैं कि मैं पतला था और बड़ा बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था। तो पतले थे तो भाई साहब इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि अगर उसको सही भोजन दो तो वो बिल्कुल सही वज़न रखता है। मैं स्वयं की भी बात कर रहा हूँ, पतला हूँ लेकिन भाई साहब एनर्जी ज़बरदस्त है, ताकत है, सोच ज़बरदस्त है, 24/7 खुश रहता हूँ, पतला हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे या अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर इससे भी ज़्यादा पतला था, सोचो तब मैं कैसा दिखता हूँ, वीडियो उठा के देख सकते हैं। जब मैंने डाइट को शुरू किया था तो मैं बिल्कुल पतला हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि अंदर से क्या चीज़ हो रही है मेरे शरीर के अंदर, बॉडी अंदर से, और बंदे टोकते थे वहाँ पे और वहीं पे झाड़ देता था, और इतनी बुरी तरह झाड़ता था कि वो बंदा दोबारा बोलने लायक नहीं होता था। और दोबारा जब मैं उन्हीं बंदों के बीच में जाता था तो मेरा इज्जत होता था वहाँ पे, दोबारा किसी ने नहीं बोला तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सुन लेते हो किसी की, कोई तुम्हें बोल दिया पतला सूखा आम ये वो तो तुम सुन लेते हो। अरे भैया तुम उसको जवाब देना सीखो, क्या जवाब दे सकते हो? एक उदाहरण देता हूँ मैं, सन 2010 में मैं ऐसा ही पतला था जैसे अभी हूँ, ठीक है, हो सकता है इसे भी और पतला रहा हूँ थोड़ा बहुत। सन 2010 में, 2018-19 में आके मैं बीमार पड़ा, 1.5-2 साल तकलीफें झेली। उस तकलीफ़ों के दौरान मैं वही शरीर प्राप्त करना चाहता था, 2010 वाला पतला वाला, और 2018-19 में मैं थोड़ा हैवी था, 7-8 सालों तक दूध पिया और उसके बाद जो है थोड़ा हैवी हो गया। बीमार पड़ने के बाद मैं 2010 वाला शरीर चाहता था, क्यों चाहता था? क्योंकि उस 2010 वाले शरीर में वो चुस्ती फुर्ती ऊर्जा पॉजिटिव विचार ज़बरदस्त होता था सारी चीज़ें, और वही शरीर चाहता था शरीर। जब बीमार था गोलियां खा रहा था, मतलब मैं ऐसे लगता था कि मैं कौन सी ज़िंदगी जी रहा हूँ, एकदम नरक भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। थायराइड की मेडिसिन लेता था उस टाइम पे, डॉक्टर ने लिखा हुआ था। तो सोचो एक इंसान, दिखने में तो अच्छा दिख रहा था मैं, ठीक है सब कुछ ठीक था, अंदर से खोखला था पूरी तरह से। अच्छा दिखने वाला इंसान पतला शरीर चाह रहा है 2010 वाला, जो कि पतला था एकदम। तो जब मैंने डाइट को शुरू किया मैं अगेन पतला होने लगा, पतला हो गया एकदम से, और जो है लोग टोकने लगे। अब मेरे पास तो एक्सपीरियंस था, सही और गलत का ज्ञान था,
और इतनी बुरी तरह झाड़ता था ऐसे बंदों को कि वो दोबारा मेरे से नज़र नहीं मिला सकते थे। और जब यही पतला शरीर में ले जाकर उनके सामने दोबारा जाता था तो मेरी इज्जत होती थी वहाँ पर। यूट्यूब पे भी कई लोग आते थे कि हाँ ये बंदा यार इतना पतला, ये कैसे मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहा है, पतला इंसान ये तो खुद बीमार लग रहा है, ये मोटिवेट कैसे कर रहा है। और यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते थे उनको भी इतनी बुरी तरह झाड़ता था वो इंसान दोबारा इस चैनल पे नज़र ही नहीं आता था। तो इसलिए अपनी बात को रखना सीखो। कोई भी इंसान अगर बोलता है कि भाई साहब तुम पतले हो सूखे हो, तो उसको सीधा जवाब दे, भैया मैं निरोगी हूँ, मेरे शरीर के अंदर रोग कोई नहीं है। और ऐसे बहुत कम बंदे ही मिलेंगे तुमको जो निरोगी शरीर हो जिसका। वो जमाने पहले होते थे जब आपको यहाँ से दिखाना होता था, आज तगड़ा शरीर वही है जिसके शरीर के अंदर एक भी रोग नहीं है। उस टाइम लाइफस्टाइल डिजीजेज नहीं होती थी, पुराने ज़माने में जब शरीर में रोग ही नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, चलो इसको शरीर को तगड़ा बनाते हैं, भाई तगड़ा ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा तगड़ा, उसको बनाएंगे तो तगड़ा होगा। तब लाइफस्टाइल डिजीजेज नहीं होती थी, शरीर में रोग ही नहीं होता था, जीवन से जुड़ी हुई लाइफस्टाइल डिजीजेज नहीं होती थी उस टाइम, शुगर, बीपी, थायराइड, आजकल जो चल रहा है ये कैंसर। तब शरीर को माना जाता था कि जो पूरा ज़्यादा हैवी होगा वो ताकतवर है। आज ताकतवर कौन है, पतले हो सूखे हो रोग एक भी नहीं है, या मोटे हो रोग एक भी नहीं है, दिमाग तेज है तुम्हारा, वो है ताकतवर, वो है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। तो ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, तुम पतले हो, लेकिन तुम्हारी ये जो दिमाग है वो बहुत तेज है, तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो तुम। लेकिन ऐसे ज़बरदस्त बढ़िया बॉडी बना लिए हो ठीक है, लेकिन शरीर अंदर से खोखला कर दिए हो और भेजे में दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी, ज्ञान है ही नहीं, तो तुम दुनिया के सबसे रोगी इंसान हो, सबसे कमज़ोर इंसान हो, सबसे कमज़ोर। तो इस तरह से ज़रूरत है सोच बदलने की। तुम निरोगी अगर हो और पतले हो तो तुम्हें भाई साहब ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करोगे तो 36 बीमारियां आने वाली है तुम्हारे शरीर में। तुम ऑलरेडी फिट हो, तुम दुनिया के सबसे फिट इंसान हो। ज़रूरत क्या है, सही भोजन की। और सही भोजन क्या है, जो प्रकृति देती है, नेचुरल फूड। नेचुरल फूड खा के जो भी आपका वज़न आता है, अरे भैया तुम्हारा वज़न 40 किलो ही आ रहा है तब भी तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, मैं कहता हूँ 5.5 फुट के हो, 40 किलो वज़न है तब भी तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर रोग नहीं है और दिमाग तुम्हारा तेज़ है। और वैसे भी दिमाग तेज़ हो जाता है जब हम इस तरह के नेचुरल खाना खाते हैं, तो माइंड वैसे ही एकदम शार्प रहता है। तो इसलिए वेट गेनिंग के चक्कर में मत पड़ो। उसी दौरान जब मैं दूध 6-7 साल मैंने दूध पिया 2010 के बाद, मैं और जल्दी बीमार पड़ जाता अगर ऐसे डब्बे खाया होता। और ना केवल बीमार पड़ता बल्कि मेरी किडनी और जो है ये हार्ट ये भी डैमेज हो जाता। लेकिन शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ दूध ही पिया, थैली वाला दूध, इसलिए सिर्फ थायराइड और गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन ही झेला 1.5-2 साल। और डब्बा खाया होता तो साला किडनी और ये हार्ट दो के दोनों चला जाता। तो इसलिए ऐसे घटिया बंदों के चक्कर में मत पड़ो ठीक है। एक दिन प्रोसेस फूड के ऊपर वीडियो बनाया, 3 बंदे जो है अनसब्सक्राइब करके चले गए। जनरली मेरे वीडियोस पे अनसब्सक्राइब नहीं होगा, मैंने उसमें कुछ उनको दूसरे भाषा में कह के पुकारा, प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियों को, उनको बुरा लग गया। अरे तुम उसी को खा के बीमार पड़े हो, तुमको साले बुरा कैसे लग सकता है। ये है घटिया मानसिकता वाले, जो चाहते हैं मेरा शरीर तो ठीक हो जाए
लेकिन मुझे समाज के लिए कुछ करना ना पड़े, बोलना ना पड़े मुझे। तुम सामाजिक मुद्दे नहीं उठाओगे तो तुम उसी में फंस जाओगे और बीमार पड़ोगे, क्योंकि उसी समाज में तुम रह रहे हो। ये सामाजिक मुद्दा था, प्रोसेस्ड फूड जो मैंने उठाया वो एक सामाजिक मुद्दा था, और उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपने शरीर से मतलब है। एक नंबर के स्वार्थी हैं ये। इसी चैनल पे आगे चल के, आगे क्या, मैं अभी भी सामाजिक मुद्दे भी उठाऊंगा, राजनीतिक मुद्दे भी उठाऊंगा, और हेल्थ से जुड़ी चीज़ें तो मैं दे ही रहा हूँ। वो बंदे अनसब्सक्राइब करके जाएंगे जो बंदे सेल्फ अपना जो है स्वार्थी होंगे, चले जाएंगे वो। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उनको सिर्फ सेहत से ही मतलब है, बस मेरी सेहत ठीक हो जाए किसी तरह से। अरे भाई साहब, घुमा फिरा के समाज में अगर बुराइयां होंगी तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आएगा। आज की तारीख में अगर किसी ने कोई मुद्दा उठाया होता पीछे कि डॉक्टर लोग डाइट के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं, डाइट क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं, तो आज तुम और मैं बीमार नहीं पड़े होते, या इतने सालों तक जो 1.5-2 साल मैंने तकलीफें झेली या आप झेल रहे हो, ये आप नहीं झेले होते तब तक इतना लंबा। लेकिन कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा, क्यों? तुम्हारी घटिया मानसिकता की वजह से। तुम्हारे जैसे स्वार्थी बंदे को भरमार लगा हुआ है, जो सिर्फ ये चाहता है कि भाई मैं तो ठीक हो जाऊँ, मेरा शरीर ठीक हो जाए और मुझे और कुछ ना कहना पड़े। और उस वीडियो में तुमने अपनी मानसिकता दर्शाई, प्रोसेस फूड के ऊपर जब मैंने आवाज़ उठाया तो तुमने अपनी मानसिकता दर्शा दी वहाँ पर। तुम्हारे लिए मैं बोलता जाऊँ, तुम्हें मोटिवेट करता जाऊँ, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सामाजिक या अन्य मुद्दे उठाऊँगा तो तुमको तकलीफ हो जाती है। कितने स्वार्थी इंसान हो यार, घुमा फिरा के हमारे ऊपर ही आएगा। समाज में बुराइयाँ होंगी तो हम वो बुराइयाँ हमारे ऊपर भी आएगी, हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगी। तो तुम आवाज़ उठाओगे कि नहीं उठाओगे, उठाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। इस चैनल पे आगे सोशल इश्यूज़ भी उठाऊँगा, जो लोग जो है स्वार्थी नहीं होंगे तो वो बने रहेंगे, वो आगे वीडियो को शेयर भी करेंगे, जो उनका कर्तव्य है वीडियो को शेयर करना, आगे समाज में फैलाना, उस चीज़ को करेंगे। और जो स्वार्थी होगा, जो अपने सेहत के बारे में सोचेगा, तो वो छोड़ के चला जा सकते हैं। नमस्कार।